आर्टिकल 63A के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार ना करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। पीटीआई का अदालती कार्रवाई का बायकॉट। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, सियासी जमातें पार्टी सबरा के मातहत हैं, चीफ जस्टिस किसी को मजबूर नहीं कर सकता। तासुर है, अदालत हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत देगी, आप फैसला देते हैं तो मुफादात का टकराव होगा। दौरान समाअत पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर का मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप पर तौहीन अदालत लगा सकते हैं, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे, आपकी बात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अली जफर ने कहा, आज एक सुर्खी है, आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। 63A नजरसानी का फैसला कालअदम करार देकर हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी गई। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा कहते हैं, आईन के आर्टिकल 8 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की असल ताकत को कम किया जा रहा है। आरएफ अलवी कहते हैं, इस वक्त 63A केस को देखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ, ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मुअख्खर कर दिया जाए तवक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मौलाना फजल रहमान ने SCO इजलास के मौके पर हुकूमत से आईनी तरमीम और PTI से एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। कहा, समझ से बालातर है, हुकूमत को आईनी तरमीम की क्या चलती है, किसी सूरत हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। आर्टिकल 63A का फैसला खरीदो फरोख्त का जरिया नहीं बनना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इकदाम को चैलेंज कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी की दरख्वास्त दायर। कमेटी के 23 सितंबर और 1 अक्टूबर के फैसलों को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार दे दी। इस्लामाबाद में PTI के एहतजाज की तैयारियां तेज। हर रुकन असेंबली को 500 अफराद लाने का टास्क। अखराजात के लिए 4 लाख रुपए मिलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ज्यादातर कारकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाकर स्वाभि से वापस पलट जाते हैं। इस दफा खुफिया कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। ज़हनी मफलूज लोग ना खुद काम करते हैं ना करने देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल फसाद और इंतशार पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बेहतर होता ये पंजाब पर हमलावर होने के बजाय अवामी मसाइल हल करते। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी को खतरा दरपेश है। सेटर फैसल वाडा का दावा, कहा इक्तदार के लिए एक जमात घिनौना खेल खेल रही है। PTI के अंदर से लाशें गिराने की तैयारी है। आप इसलिए रेड जोन में आना चाहते हैं कि लड़ाई हो? आप लोगों को इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? हुकूमत का रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले करने पर गौर। रेंजर्स की तैनाती SCO कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक की जाएगी। एहलकारों को सरकारी इमारत के बाहर तैनात किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब की मुलाकात। दोनों मालिक में मुतअद्दिद शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी पर इत्तेफाक। अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान से चावल समेत बरामदात में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। दोनों वज़राए आज़म का गजा के मजलूम आवाम की हिमायत जारी रखने का आज़्म। बिलावल भुट्टो की जमात इस्लामी के गजा मार्च की हिमायत। हाफिज नईम से मुलाकात में कहा, सरकारी सतह पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए वजीर आजम से बात करेंगे। हाफिज नईम बोले, 7 अक्टूबर को इसराइली जहरियत को 1 साल हो जाएगा। बदकिस्मती से इसराइल को रोकने वाला कोई नहीं। अमीर जमात इस्लामी की शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खान अचकजई से भी मुलाकात। कराची में एक और नौजवान डकैती मुसाहमत पर जान गंवा बैठा। 24 साल
फैसल तनख्वाह लेकर जा रहा था कि डकैतों के हत्थे चढ़ गया। रवां साल डकैती मुजाहमत पर जान बहक होने वालों की तादाद 100 हो गई। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रियाज खान और दो अर्डन नौकरी से बरतरफ। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी पर कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। जेल अफसरान के खिलाफ 29 फरवरी को जहनी मरीज कैदियों के सेल में हवालाती के कत्ल पर इंक्वायरी जारी थी। के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। फी यूनिट 51 पैसे बिजली की महंगी करने की दरख्वास्त मुकम्मल। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 853 मिलियन का मुतालबा। नेपरा आदाद और शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेगी। मानसहरा में डेंगू के वार। गढ़ी हबीबुल्ला में जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। पंजाब में 24 घंटों में वायरस से 152 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी में सबसे ज्यादा 133 केसेस सामने आए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 754 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 82,721 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 10 ग्राम सोना 943 रुपए कमी से 2,35,254 रुपए पर आ गया।